गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ भारती पब्लिक स्कूल सेकेंड क्लास सॉरी फर्स्ट क्लास मैथ. ओके फर्स्ट क्लास मैथ. आज हम क्या पढ़ेंगे? ऐड विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन. हम लाइन में लाइन पर कैसे प्लस करेंगे उसके बारे में हम समझाएंगे. ओके लाइन पर ये याद रहना लाइन पर क्योंकि यहाँ पर क्या नंबर लाइन. ओके नंबर लाइन्स तो अभी हम देखते हैं. ओके पहला नंबर क्या है? फाइव है. पहला नंबर क्या है? फाइव है. फाइव से स्टार्ट करना आपको. फाइव से स्टार्ट करना कितने कदम जंप करना है? चार कदम जंप करना है. चार पार नहीं जाना है. ध्यान से सुनो. चार पे नहीं जाना. चार कदम जंप करना है. चार कदम फ्रॉग की तरह जंप करना है. ओके तो चार कदम हम जंप करते हैं. एक कदम, दो कदम, तीन कदम और ये रहा हमारा चार कदम. किस पे आ गए हम? नाइन पे आ गए. किस पे आ गए हम? नाइन पे. यहाँ पे क्या लिखेंगे? नाइन. दूसरी बात आपको ये दिखाना है ना कि फाइव से आगे हमने जंप किया है तो हम एरो भी बनाएंगे. ओके एरो भी बनाना है. पता तो चले हम किधर जंप कर रहे हैं. तो प्लस है तो आगे ही जंप करेंगे, माइनस होगा तो पीछे जंप करेंगे. अभी हम क्या सीख रहे हैं? प्लस तो प्लस में ही हम आगे जंप करेंगे. ओके फिर से देखो. फाइव था, चार कदम हमने जंप करना था तो फाइव से स्टार्ट करेंगे. एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम. तो हम किस पे आ गए? नाइन पे. ओके दूसरे वाले में देखो, ध्यान रखना फर्स्ट नंबर जो होगा वहीं से जंप करना आपको. नाइन है तो नाइन से हम जंप करेंगे. नाइन है तो नाइन से जंप करना. कितने कदम जंप करना है? सिर्फ तीन ही कदम जंप करना है. प्लस है तो आगे जंप करेंगे. प्लस है तो आगे जंप करेंगे. एक कदम, दो कदम और तीन कदम. तीन कदम जंप करना था ना, तो तीन कदम किस पे आ गए हम? वन टू ट्वेल्व. किस पे आ गए हम? वन टू ट्वेल्व. याद रखें कि प्लस है तो आगे की तरह एरो बनाएंगे. प्लस है तो क्या करेंगे? आगे की तरह एरो बनाएंगे. ओके नाइन से स्टार्ट होगा, हमने नाइन से स्टार्ट कर दिया. तीन कदम जंप करना है. तीन कदम, एक कदम, दो कदम, तीन कदम. किस पे आ गए? बारह. इसका मतलब बारह आंसर आ गया. ओके और भी हम देखते हैं. ओके और देखो यहाँ पे जब दो नंबर सेम आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने तो दोनों नंबर सेम दे दिए तो हम क्या करें. यहाँ से देखो सिक्स से स्टार्ट करेंगे. पहला नंबर जो होगा उसी से स्टार्ट करना. तो सिक्स से हमने स्टार्ट किया, कर लिया. अब सिक्स के कितने कदम जंप करना? आगे वाला कौन सा नंबर है? सिक्स है तो छः कदम आगे करना है. एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, पांच कदम और छह कदम. तो किस पे आ गए हम लोग? ट्वेल्व पे. किस पे आ गए हम लोग? ट्वेल्व पे आ गए. ओके फिर से देखो, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, पांच कदम, छह कदम. मतलब छह स्टेप हम आगे बढ़ गए तो बारह हो गया. अब ये देखो सेकेंड नंबर थ्री से हम स्टार्ट करेंगे. कितने कदम जंप करना है? चार कदम. एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, सेवन. ओके थ्री, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, चार कदम, तो सेवन पे आ गए. ओके इसकी प्रैक्टिस कर लेना.